अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। तो आज हम बात करेंगे कि आपने अगर अपनी किसी फोटोज़ में से और या वीडियोज़ में से आपने कैसे उसका वाटरमार्क रिमूव करना है, तो उसके बारे में बात करूँगा मैं। कि क्योंकि बहुत से लोगों को प्रॉब्लम आ रही होती है, अगर कोई वीडियो एक्सपोर्ट करते हैं तो उसमें वाटरमार्क आता है, ये उनकी फ़ोटोज़ वगैरह कुछ होती हैं, तो उसमें अगर कोई इंटरनेट से कोई अच्छी फ़ोटो उनको लगती है वो डाउनलोड करते हैं तो उसमें भी वाटर मार्क होता है, तो जिसकी वजह से वो काफ़ी वो परेशान होते हैं। क्योंकि वीडियो एडिटर वाले जो सॉफ्टवेयर हैं मोस्टली वो जो अच्छे सॉफ्टवेयर हैं वो तो पेड हैं, तो अगर आप उनका फ्री वर्जन यूज़ करते हैं तो उसके साथ आपको फिर उस जब अपनी वीडियो को एक्सपोर्ट करते हैं तो उसके साथ फिर आपको वाटर मार्क भी साथ उसमें वीडियो में उसका नाम आता है। तो उस वाटर मार्क रिमूव करने के लिए मैं आज आपसे बात करूँगा कि आप कैसे आप अपने वाटर मार्क रिमूव कर सकते हैं। सबसे पहले आपने जाना है गूगल क्रोम में, वहाँ पर आपने टाइप करना हिटपा, ये वेबसाइट आपके सामने नज़र आ रही है, इस वेबसाइट को ओपन कर देना। इसको मैं डाउनलोड कर देता हूँ, ट्राई इट फ्री। आपको पहले इसका कुछ ऐसे रिव्यू दिखा देता हूँ, आप देख लें। अगर ब्रांड लोगो है तो उसको भी आप रिमूव कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट देखिए ये ब्रांड लोगो वगैरह अगर है तो ऑब्जेक्ट को, अगर किसी को आपने रिमूव करना ऑब्जेक्ट को भी रिमूव कर सकते हैं, किसी पर्सन को रिमूव करना उसको भी आप रिमूव कर सकते हैं इजीली। आप इसमें से अगर कोई टेक्स्ट वगैरह है, डेट वगैरह है, स्टिकर वगैरह कुछ लगा हुआ है तो आप उसको इजीली आप अपनी वीडियोज़ या इमेज में से रिमूव कर सकते हैं। ये देखेंगे किस तरह काम करती है, ये देख लें। आपने अगर इसको रिमूव करना था, ये वीडियो एडिटिंग के बाद ऐसी हो जाएगी, आपको नज़र आ रहा है। आपने उस एरिया को जस्ट सेलेक्ट करना है, ये देखें ये डेमो वीडियोस का, ये इमेज का, इमेज में से तो आप अगर रिमूव करना चाहते हो, अगर चाहते हैं तो आपके लिए बहुत से सॉफ्टवेयर इंटरनेट पर अवेलेबल हैं कि आप इमेज से कैसे आप रिमूव कर सकते हैं उसको वाटरमार्क वगैरह। लेकिन वीडियोस के लिए आपको काफ़ी प्रॉब्लम आती है कि वीडियोस में अगर आपने रिमूव करना है तो हम कैसे उसको रिमूव करें, तो उसके लिए मैं आपसे बात करूँगा इस सॉफ्टवेयर के बारे में। चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं। कर देता हूँ इसको दोबारा, एक इशारिया 7-10 MB का ये सॉफ्टवेयर है, तो छोटा सा सॉफ्टवेयर है। इसको ओपन कर लेते हैं, ओके इंस्टॉल करता हूँ। पहले देख लेते हैं इसकी सेटिंग वगैरह, इंस्टॉलेशन की सेटिंग वगैरह, ओके एग्री। है तो छोटा सा सॉफ्टवेयर लेकिन इंस्टॉल होने में थोड़ा टाइम ले रहा है। चाहे जितनी देर ये इंस्टॉल होता है, तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप काइंडली चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो आए तो सबसे पहले आप उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। चलें ये जब तक इंस्टॉलेशन इसकी कम्प्लीट होती है तब तक मैं इसको वीडियोज़ को मैं पॉज कर देता हूँ। हाँ जी दोस्तों, तो फिर ये हो गया, डाउनलोड हो चुका है, इंस्टॉल भी हो चुका है, अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। अरे छोटा सा सॉफ्टवेयर लेकिन इंस्टॉल होने में इसने काफ़ी टाइम ले लिया था। ये आप देख सकते हैं ये इंस्टॉल हो चुका है। ये कुछ सैंपल मैंने बाय रखे हैं, अभी मैं इनको दिखा देता हूँ आपके सामने, वीडियोस और इमेजेस। तो सबसे पहले हम बात ये देखें, ये दो पोर्शन बने हुए हैं, एक रिमूव वीडियो वाटरमार्क, रिमूव इमेज वाटरमार्क। ठीक है, पहले हम इमेज का ट्राई करते हैं। हम सबसे पहले इमेज का ट्राई करते हैं, वाटरमार्क रिमूव करते हैं। यहाँ से मैं इमेज को एक यहाँ से पिक करता हूँ, यहाँ पर इसको ड्रॉप कर देता हूँ। इसको मेरा ऐड टू चूज फाइल बता रहा है, ऐसे डेस्कटॉप पे ही मैंने ये इमेज रखी हुई है, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, ओपन कर दिया। तो आप देख सकते हैं इस इमेज में ये वाटरमार्क यहाँ पर ये शो कर रहा है। तो आपने इसको कैसे करना है, टेक्सचर रिपेयर का है,
स्मूथ फिलिंग के तीन ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक है। पहले हमने इसको सिलेक्ट किया, टेक्सचर पेयर को यहाँ सेलेक्ट किया हुआ है। यहाँ पर मैं सिर्फ सिलेक्ट करता हूँ ऐसे इस एरिया को, ठीक है। अब मैं रिमूव डाउन करता हूँ, देखें ये रिमूव हो चुका है, ठीक है। अब एजेस फिलिंग की अगर बात करें, ये देखें यहाँ से इसने रिमूव कर दिया वाटर मार्क को। इसी तरह अब फिर उसके बाद आप एक्सपोर्ट कर देता, मैं रिप्लेस इमेज करता हूँ, कंटिन्यू। अब ये देखते हैं रिप्लेस इमेज पे, अब ये इसका बैक, इस इमेज पे जो बैकग्राउंड आप देख सकते हैं कि काफ़ी इसमें डिफरेंट कलर यूज हुए हैं। तो इसमें हम ट्राई करते हैं, इसमें भी मेरे ये टेक्सचर रिपेयर को मैंने यहाँ क्लिक किया, तो रिमूव नाउ करता हूँ मैं। अब देखें थोड़ा यहाँ पर टाइम ले रहा है, क्योंकि अब देखिए इसने कुछ ऐसा किया, लेकिन यहाँ पर तो मैं कहता हूँ कि थोड़ा सा इसने यहाँ पर अच्छा नहीं, इसको दोबारा ट्राई करता हूँ। ये देखिए इसको मैं अगर एज रिमूव एज फिलिंग करता हूँ, देखिए ये भी नहीं, इसमें स्मूथ फिलिंग करते हैं तो ये इसमें आप देख सकते हैं स्मूथ फिलिंग में इस कुछ ऐसा ऐसा इस करता है। इसको बैक करते हैं, इसको पेंट, इसको अगर आप समझते हैं कि इसको अच्छे से, अगर ये अच्छा नहीं कर रहा तो फिर हमने इसको ऐसे कर देना है, ठहरे। ये सिलेक्शन एरिया ये देखें, इसको मैं टेक्सचर रिपेयर किया दोबारा। आप देखिए अगर उसके बाद फिर मैं अगर इसको ये सिलेक्शन एरिया में ऐसे सिलेक्ट किया, ठीक है, इसको भी मैं ऐसे रिमूव करता हूँ, उसने कवर कर दिया। अब देखें ये, देखें ये इमेज का, इमेज की मैं दरअसल इस वीडियो में आपको बताने लगा था, ये देखें कवर कर दिया। अगर ये यहाँ सिलेक्शन एरिया को आप सिलेक्ट करेंगे तो फिर इसको ऐसे, ये देखें मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ तो ये देखें आपको काफ़ी अच्छी इमेज लग रही है। तो इमेज के तो और भी बहुत से सॉफ्टवेयर हैं, इमेज में अगर वाटरमार्क रिमूव करना है तो अडोब फोटोशॉप हो गया, और बहुत से हैं जिन्हें आप कर सकते हैं, लेकिन इस सॉफ्टवेयर में हम बेसिक हम बात करने लगे वो वीडियो वाटरमार्क की। अब इसमें हम बात करते हैं, कैंसिल कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। यस आई थिंक वीडियो मार्क वाटरमार्क मैंने सेलेक्ट किया, मैं चूज फाइल करता हूँ मैं डेस्कटॉप पे, ये देखें ये फाइल को मैंने चूज किया। अब मुझे बता रहा है, देखें ये सबसे पहले बाय डिफॉल्ट उन्होंने कुछ ऐसे सेक्शन बाय डिफॉल्ट ये एक एरिया ऐसे इन्होंने रखा हुआ है। मैं वीडियो को पहले प्ले करता हूँ, आप देख सकते हैं ये बाय डिफॉल्ट ये एरिया आ रहा है, ठीक है। इसको मैं वीडियो पॉज किया, मैंने देखा इसका वाटर मार्क यहाँ पर था, इसको यहाँ पर मैं रख के इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ यहाँ से ऐसे, सिर्फ इसी एरिए को जी, सिर्फ इसी एरिया को मैंने सेलेक्ट किया है। अब मैं इसको प्ले करता हूँ, अब आप देख सकते हैं वाटर मार्क रिमूव हो चुका है। तो अभी हम देखें आर्टिफिशियल, अगर मोटर पे क्लिक करते हैं तो फिर हम इसको ट्राई करते हैं, उसके लिए थोड़ा ये टाइम लेगा। इसको अभी मेरे ख्याल इसमें प्रॉब्लम आ रही है आर्टिफिशियल मोटर के लिए, अभी वो मेरे ख्याल इसकी सॉफ्टवेयर में कुछ प्रॉब्लम है अभी आर्टिफिशियल मॉडल के लिए। बाकी जो ऑप्शन है इसके लिए आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, स्मूथ फिलिंग ही अभी इसमें शो कर रहा है, देखें इसमें बड़ा अच्छा है, इसमें ये भी काफ़ी अच्छा इसको कवर कर रहा है। तो इसके अलावा भी अगर मजीद आपने कोई सिलेक्शन करनी है, आपको समझ देगा इसका वाटर बाज होता है, किस वीडियो में आधी 20 सेकेंड के बाद वाटर मार्क यहाँ पर होता है और फिर 20 सेकंड के बाद यहाँ पर आ जाता है, ये 30 सेकंड के वक्फे से रखा होता है। एक और आप क्रिएट सिलेक्शन में एक और सेलेक्ट करके आप यहाँ पर रख सकते हैं एक और, जैसे उसके बाद एक फिर वहाँ पर भी आप समझते हैं एक और चेंज बाज होता है कि उसके फोर कॉर्नर्स पे वीडियोस में वो मूव कर रहा था वाटर मार्क, आप यहाँ पर ऐसे रख सकते हैं। इस तरह जितने आप इसमें आप सिलेक्शन ऐड करना चाहते हो ऐड कर सकते हैं। ये देखें ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यू, ठीक है। अभी अगर आर्टिफिशियल एआई भी क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली वो आपकी वीडियो में वो चूज़ करेगा वो कि कहाँ पर वाटर मार्क है, तो उसके हिसाब से ये उसको फिल कर देगा। आप देख सकते हैं इसको मैंने सेलेक्ट किया, अब इस वीडियो को ये पहले चेक करेगा इसका इसका वाटर मार्क कहाँ पर है। इसमें ये काफ़ी टाइम लेगा। तो अभी इसके अलावा हम दूसरा बात करते हैं,
कंप्लीट पार्ट रिजल्ट्स स्टॉप एंड डिस्कार्ड। ठीक है, मैं रिप्लेस करता हूँ तो मैं कहता हूँ कुछ और वीडियो को मैं करता हूँ कंटिन्यू। ये वाली दूसरी वीडियो है, अब इसको हम जैसे पहले इसको इसको प्ले करते हैं पहले। अब देखें इसका वाटरमार्क जो शो कर रहा है यहाँ पर, इसका ये शो कर रहा है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिख जाना इसको, इसको सिलेक्ट कर देना इसे। ठीक है, अब आप इसको प्ले करेंगे तो देखें इसको वाटरमार्क वहाँ से रिमूव हो चुका है। तो इसकी जगह इसके आगे आप अपना 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 ब्रांड लोगो भी बाज लगा लेते हैं, बाज लोग अपने चैनल का लोगो भी रख लेते हैं। लेकिन अगर अपने चैनल का लोगो का आपने नहीं रखना तो वाटरमार्क को ऐसे रिमूव करना, ऐसे कर दें। अगर इसको बाय करेंगे तो ये कलर फिलिंग कभी वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए वो उसके कलर फिलिंग भी खुद ही कर देगा, तो ऐसे अगर इसको बाय करेंगे। लेकिन फ्री वर्जन में उसने भाई ये दो ऑप्शन दिए हैं, एआई मॉडल। अब एआई मॉडल को हम सिलेक्ट करते हैं तो एआई मॉडल में ये अभी इसमें सॉफ्टवेयर में कोई एरर आ रहा है, तो उम्मीद करता हूँ कि जब आप इंस्टॉल करेंगे तो उस वक्त ये एरर ना आए, तब तक ये फिक्स कर दें इस एरर को। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, और नीचे कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। ओके, गुड बाय।